गाइस मैं नहा ली, लग रहा है बहुत सालों के बाद नहाई हूँ, 3 दिन के बाद। तो यहाँ पे मम्मी का क्या क्या सामान है कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो ये क्रीम अभी लगाऊंगी और ये सब पता नहीं क्या क्या है, पता नहीं कुछ भी लगाती रहती, मैं तो ये सब नहीं लगाती हूँ, तो ये लगाऊंगी अभी। गाइस ये देखिए कैसा लग रहा है बताना, मम्मी ने मुझे ये गिफ्ट किया है। तो मम्मी को मतलब यहाँ पे मेरे को लॉकेट नहीं मिलता था ना, मेरे को ना डिज़ाइन बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, तो इसीलिए मम्मी क्या की है, सोनारी वाले दुकान वाले मैंने भैया को बुलाया है तो वो आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा है कि कैसा डिज़ाइन चाहिए बताना। तो मैं कहा मेरे को थोड़ा छोटा वाला स्टोन चाहिए, इतना बड़ा मैं कोलकाता में कैसे पहन के घूमूंगी, तो आप लोग बताना डिज़ाइन कैसा लग रहा है, मैं पहन के दिखा रही हूँ। मेरे को तो बिल्कुल पसंद, मम्मी बोल रही है कि इसको नहीं, इसको रख देते हैं, मैं पहनूंगी, तुम्हारे लिए आज आ रहा है, मतलब दूसरा बनाए, मम्मी दूसरा डिज़ाइन देगी। तो मेरे को डिज़ाइन आप लोग बताना कैसा लगेगा, कि कुछ एक्सट्रीम बड़ा नहीं लग रहा, क्योंकि मैं तो बाहर अभी साड़ी ये सब नहीं पहनूंगी, तो बताना था कैसा लग, कुछ ज़्यादा ही बड़ा, इतना बड़ा तो मेरे को तो अच्छा ही लग रहा है, अच्छा लग रहा है लेकिन काफ़ी बड़ा लग रहा है। अभी वो आ रहे हैं ना तो मैं भी कन्फ्यूज़ हो गई, पता है कैसा, अच्छा ही लग रहा है ना। ये रहा डिज़ाइन, सिंपल प्लेन डिज़ाइन बना के मतलब दिए थी, बस स्टोन बड़ा था, मैंने कहा था सिंपल था, मम्मी को लगा यही सिंपल है, लेकिन मैं बोली हाँ ये सिंपल है, बट ये स्टोन बहुत बड़ा लग रहा है, मेरे को इससे भी छोटा चाहिए। तो अब भैया आ रहे हैं, सुनार वाले भैया जो कि हमारे पुराने हैं, तो पहचानते हैं, तो आ रहे बोल रहे कि आपको मैं बुकलेट ला के दे रही हूँ, आप लोग डिज़ाइन देख लीजिए। बहन का कपड़ा पहन रही हूँ, मम्मी पैंट लेके आई है क्योंकि एक्सटेंड होने वाला है, कुछ भी हो रहा है। मैं 3 दिन के लिए आई थी तो कपड़ा लेके नहीं आई थी ना, तो अभी एक्सटेंड होने वाला है तो मैनेज कर रही हूँ। लकीली बहन का थोड़े बहुत कपड़े घर पर रख के गई है, तो उसी का ही पहन के जा पहन रही हूँ। वो देखो भैया आ गए, मुँह मैं ए टू डिजाइन लगे, एन डिजाइन लगे, ए डिजाइन तो लगे एन लगे, खाली स्टोन तो डांग ए टू के हो आ ए टू गुल गुल ए टू लगे डिजाइन मात्र स्टिंग ए टू डिजाइन ए टू मिस ना जुंगा ना ए टू जुंगा ना बोले ना ना ए टू एक ही। गाइस देखो ये सब क्या क्या सब्जी आया है, क्योंकि 2 दिन से बाहर का खाना खा ली तो मैंने सब्जी लाने के लिए कहा था, तो आज जाएगा ये सारे के सारे सब्जी दाल पे, ये भी एक पत्ता है, पता नहीं क्या पत्ता है, और आज ये सब कुछ दाल में जाएगा और क्या क्या बनेगा, चटनी वटनी देखते हैं। तो कितने फ्रेश फ्रेश सब्जियाँ, मैंने कहा है जब तक मैं घर में हूँ सारे के सारे सब्जी का सब्जी खाने का है, और ये सब पत्ता को क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, मोरापात आसामीज में बोलते हैं मोरापात, बाकी लैंग्वेज का पता नहीं। और ये पत्ता कैसा है, खट्टा है, तो इससे ना विटामिन सी भी मिल जाएगा, तो ये आज दाल में शायद मम्मी डाल के बनाएगी, पता नहीं कैसे, बस विटामिन सी चाहिए, तो सब कुछ मिलने वाला है। तो ये आज आज का तो शुरुआत है खाने का, और मैं जाऊँगी मेरे फेवरेट मेडिसिन वाला पत्ता लाने के लिए, जो कि हमारे ये सब बहुत सारा है, मैं बोल रही हूँ वहाँ पे इत्तु सा 300-400 रुपये मॉल में ले लेता है ये, हाँ इत्तु सा, और मैं ना ऐसा भी लेके जाऊँगी छोटा छोटा मिनी वाला वर्जन आलू। सब्जी काट रही गई, जैसा क्या सब्जी है मुझे पता नहीं, बस मम्मी को कहा कि सब्जी खाना, बस लेके उठा के इतना सारा सब्जी, इसमें 2 टाइप का सब्जी मिक्स मछली के साथ बॉईल बनाने वाला है, एक तो पता नहीं क्या सब्जी है, ये काइंड ऑफ थोड़ा खाने में ना इंग्लिश में बोलते हैं ना वाटर स्पिनिच वैसा है टाइप का खाने में, और एक खट्टा वाला पत्ता है, तो थोड़ा खट्टा भी मिक्स किया हुआ ताकि खट्टा ना इसके साथ खा सके। तो ये काट के हो गया पत्ते, और यहाँ पे मछली ये वाला देसी लोकल मछली, मम्मी को कहा है कि मैं बाहर सब बड़े बड़े मछलियाँ खाती हूँ, मेरे को एकदम लोकल देसी वाला खाना है, तो आज बनेगा पूरा खट्टा, यहाँ में 2 पत्ता मिक्स है,
जैसे कि मैंने कहा एक खट्टा वाला पत्ता और एक वो वाटर स्पिनिच वाला जैसा होता है ना खाने में, वैसा पिसला पिसला है, थोड़ा पिसला पिसला। तो अभी थोड़ा लंच खाएंगे, लंच एकदम मतलब पूरा हेल्दी बॉयल वाला लंच। मैंने अब मम्मी को बताया कि मेरा डाइट का खाना कैसा है, तो मम्मी वही डाइट का खाना बनाएगी अभी मेरा। तो मम्मी बोलती नहीं ऐसा डाइट का खाना, ये क्या कौन सा डाइट का खाना, ऐसा खाना तो हम लोग खाते रहते मतलब सारा बॉयल टाइप्स। तो आज तो मज़ा मज़ा ही मज़ा है, तो दिखाती हूँ चलो। गाइस देखो ये मेरा चावल कितना थोड़ा सा, और ये रहा दाल। अब देखो मैं क्या क्या करती हूँ, दाल को हटाते हैं। इसमें मम्मी ने ना शॉर्टकट करके बहुत सब्जी डाला है, तो इसको इसको निकाल के ये तो मच्छी है। तो अब ये वाला चिल्ली और या ऑयल यहाँ पे डालेंगे। खाना ला रहे बॉयल बॉयल खाना, टेस्टी टेस्टी हेल्दी। बीन आधा के जी चना में बाद तो चना में बाद दूध डाल दूँ था। भाई यहाँ पे ना बहुत सारा सब्जी है, बहुत सारे मिक्स सब्जी डाला हुआ, सिर्फ पत्ता नहीं है। गाइस देखो गर्मा गर्म ये क्या है, पेटीसा ठीक कर ले, पेटीस गर्मा गर्म वेज 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 है ना। बाहर निकल के गए थे लेकिन मैं ब्लॉग नहीं की, क्या लेके आई हूँ दिखाती हूँ। गले का लॉकेट दूसरा वाला एक नया बना के लाया, दिखा रही खा लेती हूँ। तो ये दूसरा वाला लेके आई अभी, तो आप लोग बताना कौन सा, मुझे तो ऑफकोर्स ये वाला अच्छा लग रहा है अभी। अभी ये छोटा है तो ये छोटा है और ये मोटा हो गया, ये पतला होना चाहिए था तब ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन और बोलूँगी तो ना मेरे को कूट कूट के मारेंगे इसलिए नहीं। आप बताना ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि पहले बार। तो ये रहा डिज़ाइन, थोड़ा क्लोजअप करके दिखा रही हूँ, मुझे ना बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। मेरे पास पहले भी लॉकेट था, मैं जब हॉस्टल में रहती थी ना, कॉलेज पढ़ती थी तब खो गया था, इसलिए मम्मी को गुस्सा आता देती नहीं, तो अभी मुझे फिर से सरप्राइज़ दी। लेकिन दूसरा वाला मम्मी रख ली, ये वाला नया बना के लाई मेरे लिए। गुड मॉर्निंग गाइस, तो अभी बजे सुबह के 4, तो मैं और मम्मी रेडी होंगे, निकलेंगे स्टेशन के लिए, क्योंकि हम लोग आज जा रहे हैं गुवाहाटी। मैं बिल्कुल मतलब रेस्ट नहीं ले पा रही हूँ मैं। ये देखिए 4:05 हो गया है, तो अभी मैं जा रही हूँ ब्रश करने के लिए, बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिल रहा है। मैं मिनिमम 8 घंटा सोती हूँ कोलकाता में, तो यहाँ मतलब हो ही नहीं है सोना, वेट गेन ना हो जाए डर लग रहा है। तो चलो निकलते हैं, ब्रश करती हूँ, बैग पैक करती हूँ और निकलते हैं। हाँ
ये बहुत सारा काम है, वॉशरूम जाना है, टॉयलेट जाना है। गाइस रेडी हो गए और अभी बाहर पूरा बारिश, कैसे जाएंगे पता नहीं। कोई रिक्शा बुलाने जा रहे हैं, फ़ोन करके पहचान के लोग हैं तो रिक्शा आएगा तो रिक्शा में बैठ के जाएंगे, क्योंकि स्टेशन यहाँ से ना सिर्फ 5 मिनट वॉकेबल डिस्टेंस है, इतना पास में है। तो पूरा बारिश दे रहा है। मैं तो पूरा रिफ्यूजी जैसा घूम रही हूँ। हाँ गिटार सर भाई, चप्पल भी मम्मी का पहन लिया, कुछ भी नहीं लाए। मम्मी और मैं रेडी। खाने का टिफिन भी ले लिए ट्रेन में खाने के लिए, टाइम पास, पैसा बचाने का।
होटल पे हमने बुक किया है आज के लिए, आज रात यहाँ पे रुकना पड़ेगा, तो उसके बाद हम लोग कल सुबह निकलेंगे। तो यहाँ मम्मी बैठी हुई है, हाय तो यहाँ पे मैंने बुक किया, तो यहाँ पे अच्छा स्पेस है, पहला डे है तो यहाँ पे बैठने का भी स्पेस है, तो हम लोग बैठेंगे। बुक कर लिया, अब रेस्ट लेंगे, फिर खाना खाएंगे, सुबह निकलेंगे। तो हो गया बुकिंग, तो चलो चलते हैं हम। प्लीज़ तो मैं थक गई, और एक ही कपड़ा लाई, कपड़ों की कमी बहुत हो रही है गाइस। बोला जाम बोला, तो चलो चलते हैं। मुझे लग रहा है मैं इंडिया टूर कर रही हूँ कोलकाता से दुलियागंज से गुवाहाटी, गुवाहाटी से शिलांग, और फिर कोलकाता, फिर बाप रे घूमती रहूँगी। होटल का ना ये वाला स्पेस बहुत अच्छा लगा, बट टाइम नहीं यहाँ आके मेरे को चाय पीनी। हाँ ये मम्मी को दे, मम्मी को पसंद आ रहा है बट हमारे पास टाइम नहीं क्योंकि हम घूमने नहीं आए। कुछ खाना है क्या है ये सब, पता नहीं क्या है सब, क्या है ये सब, ऑयल, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, बोला चलो चलते हैं। गाइस तो अभी रूम पे पहुंच गए, नहाना है, फ्रेश होना है, सबसे पहले तो वॉशरूम जाना है, बहुत ज़ोर से लगा हुआ है, फिर उसके बाद देखती हूँ मैं, मम्मी से बाहर थोड़ा निकलते, घूमने तो नहीं है, काम से आए हैं तो काम ही काम कर रहे हैं। इस बार मैं पहली बार घर ना घूमने नहीं आई, सब काम से घूम रही हूँ। तो यहाँ बैलकनी से मैं ना पूरा मेन, एग्जैक्ट मेन मार्केट में हूँ, तो यहाँ से ना पूरा मार्केट डियर, मुझे सिर्फ मैं ऐसा ही होटल ढूंढ रही थी जिससे निकलने से तुरंत मैं कैब बुक करके ना शिलांग जा पाऊँ। तो ये कैब ऑलरेडी यहाँ पे है, तो मुझे सुबह बस यहाँ से निकलना है होटल से, और यहाँ से कैब पकड़ के शिलांग जाना है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अभी बस रेस्ट लेना है, और कपड़े का तो मैं आपको बोल चुकी हूँ कितना लफड़ा चल रहा है, कपड़ा है नहीं, मम्मी का ले गए और है ही नहीं, बस एक ही पैर लाई हूँ, तो वो शिलांग कल जाके पहनूंगी, क्योंकि ऑफिस भी जाना है, वहाँ भी ऑफिस भी जाना है, काम है, बहुत सारा कुछ काम है अपना पर्सनल, तो वो सब करेंगे फिर फाइनली रिटर्न होंगे, मेरा तो हालत टाइट होने वाला है। हम लोग ना बोर खा रहे थे, थोड़ा नीचे निकला है घूमने के लिए, मम्मी को अंदर नहीं रहना है मम्मी बोल रही कुछ कपड़ा खरीद ला, कपड़ा नहीं लाई, मुझे नहीं खरीदना, मुझे घूमना बिल्कुल पसंद नहीं है, और मेरी मम्मी को घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे को अब बस अपने काम से काम निकल करना है और निकलना है, ये घूमना होना ना मेरे फंदे में पड़ता नहीं है। मम्मी को क्या मज़ा आ रहा है घूमने। चलो बस ऐसे ही घूम रहे, फिर डिनर करेंगे, फिर घर पे, फिर होटल में जाके सो जाएंगे। मम्मी को शॉपिंग करना है, कुछ अच्छा मिल जाए तो ले लेंगे, मेरे को नहीं लेना, मम्मी मुझे इतना फोर्स कर रही है, कुछ ले लो नहीं लेना। गाइस देखो मेरे को जूडियो दिख गया, एक बार चेक करते कोलकाता का जूडियो कैसा है, सॉरी गुवाहाटी का जूडियो कैसा है, एक बार चेक कर लेते। मैं कोलकाता के जूडियो पर कभी नहीं गई हूँ, बट यहाँ दिख गया ऑन द वे, तो देखते कैसा है आसाम में, गुवाहाटी में, शायद अच्छा होगा तो कुछ अच्छा लगेगा तो ले लेंगे, सुना है सस्ता ही होता है, तो देखते हैं। और समर न्यू कलेक्शन भी आया है जूडियो में मुझे जितना पता है, तो यहाँ भी आना चाहिए, देखते हैं। गाइस यहाँ पे इतना सस्ता सस्ता कॉस्मेटिक है, सिर्फ 99 रुपीज़ का जूडियो में, फर्स्ट टाइम आई कोलकाता में, इतना दोस्त लोग जा रहे थे, मैं एक बार भी नहीं गई, यहाँ पे आके देखा तो एक्चुअली में ये बहुत अच्छा है, बहुत टॉप लिया है
ट्राई करने के लिए जो अच्छा लगे। मम्मी क्या बोल रही है, मतलब इसमें हाथ नहीं है, ये एक्चुअली ऑफ शोल्डर वन शोल्डर है। मम्मी बोले एक में हाथ नहीं है, क्यों लेना है।